ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत मतलब ये रुझान है, एक बंद लोग कर भी रहे हैं। स्टार्टिंग में हम तो कोशिश करते हैं कि आपकी ज़मीन देखेंगे, कितनी एरिया पे आप करना चाहते हैं, उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी जाती है। एक एकड़ पर तकरीबन 1,00,000 रुपया खर्चा हो जाता है, इसकी इसके रनिंग के एक्सपेंचर वो अलग होती है। फिश फार्मिंग की हम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करते हैं लेकिन लाइसेंस अभी नहीं है। जो शुरू की इन्वेस्टमेंट है वही है, उसके बाद आपका हर उस पे जो है ना प्रोडक्शन पे आपका एक्सपेंस नहीं है। आपने फॉर सपोज शुरू में 1,00,000 एक्सपेंस कर लिया, आपने पहली प्रोडक्शन उठा ली, सेकंड उठा ली, अब जो सेकंड आप उठा रहे हैं वो तो आपका प्योर बेनिफिट है, हालांकि फर्स्ट में भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। ये आपका जो है ना एक ही दफ़ा का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप पॉन्ड बना रहे हैं बार बार नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया, एक जो है ना आपने प्रोडक्शन उठा ली, अब दूसरी बेच के लिए आपने दोबारा 1,00,000 इन्वेस्ट करना है, नो, एक ही दफ़ा करना है। तो ये जो ना बेनिफिशेंट है हद से ज़्यादा, इस्तेमाल करें जो बिल्कुल काबिल काश्त ना हो। वेस्ट लैंड को यूज़ करना है, लो लाइंग होनी चाहिए, और वो जो ज़मीन जिसमें कोई काश्त ना हो, भले उसमें कलर हो कुछ सेम हो, वो तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फिशरीज़ के हवाले से। वेस्ट लैंड का बेहतरीन यूज़ फिशरीज से हो सकता है, और उसके अलावा स्पीशीज़ भी हमें इतनी मौजूद है, हमारे पास वैरायटी स्पीशीज़ हैं कि उन खारे पानी में वो हम मछली पाल सकते हैं। जैसे कि इतला पे है वो यूरी हेलैंड फिश है, वंस आपने इंट्रोड्यूस कर लिया वो खुद ब्रीड करती रहती हैं और उसका फिर वो सीड ख़त्म नहीं होता है। एक्वेटिक चिकन भी इसको कहा जाता है, इसको तिलापिया को एक्वेटिक चिकन भी कहा जाता है। आज इसकी की बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और खाने में बहुत लजीज है, तो इसका भी अगर कल्चर किया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। हैदराबाद में हमारी हेड ऑफिस है, यहाँ कराची में हमारी ऑफिस है, वेरियस जगह पे फिशरीज़ की जो है ना ऑफिस खुले हैं, जहाँ पे भी आप आ सकते हैं आ जाएँ, आपसे आपको हर हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। मछली की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो समंदर की हो या तालाब की हो या मीठे पानी की हो या कोई फार्म की हो या दरिया की हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अलबत्ता टेस्ट का फ़र्क ज़रूर आता है, जो मछली जिस पानी में पलती है उस पानी का टेस्ट जो है ना उसमें ज़रूर आता है। बाकी इसमें ऐसी कोई सच नहीं कि भाई वो समंदर दरिया की अच्छी मछली है दूसरी अच्छी मछली है। बायोफ्लाक की बात कर रहे हैं आप, बायोफ्लाक अब यहाँ पे सिंध में स्टार्ट हुआ है कई कई जगह पे, लेकिन गवर्नमेंट अभी स्टार्ट करेगी। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट पहले खुद स्टार्ट करें और उसकी जितने भी बेनिफिट्स हैं बंदों को प्रैक्टिकली बताएं। यहाँ इसमें 3 स्पीशीज वेराइटी चलती है, एक तो रेड तिलापिया है, एक नाइल तिलापिया है, एक तिलापिया मोजम्बिकस है। 3 स्पीशीज हैं, तीनों इसमें। मीठे पानी की मछली के हवाले से हमारे जितने भी मीठे पानी के तालाब हैं उनमें मोस्टली रहू, मोरी, थेला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये स्पीशीज जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किए हैं वो उनका कल्चर किया जाता है। उसमें भी मोनोकल्चर भी होता है, पॉलीकल्चर भी होता है। पॉली मीन्स मोर देन वन, तो पॉलीकल्चर में ग्रास में रहू, मोरी, थेला, इनमें कोई फूड कॉम्पिटिशन नहीं होता है। इसकी आप उसके एक जगह पे हम उसको तालाब में रख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, पॉन्ड मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए ये थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपने फ़िश को मॉनिटर किस तरह करना है और जो स्पीशी आप रख रहे हो कौन कौन सी रख रहे हो, फीड आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। फॉर सपोज अभी हम लोगों के पास जनरली 3 वो होती है ना फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से, कुछ सरफेस फीडर होती हैं, कुछ मिड फीडर होती हैं, कुछ बॉटम में होती हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप अगर सिंकिंग फीड डालोगे बॉटम में चली जाएगी, सिर्फ एक जो है ना उसको यूटिलाइज करेगी, ऊपर वाले रह जाएंगे, तो ये सारी नॉलेज जो है ना उसको होनी चाहिए। मोस्टली हम लोग ये मतलब सजेस्ट करते हैं आप स्पीशीज वो रखें कि तीनों स्पीशीज़ आपकी बराबर हों, कि फीड आपकी कहीं पे भी हो ज़ाया ना हो, कंज्यूम होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों का कंसेप्ट ये है कि वो बड़ी फिशेस जो है ना पसंद करते हैं 2 kg की डाइट। हम लोग ये करते हैं कि प्रेफर ये करते हैं कि 1 kg से 1.5 kg ये सूटेबल साइज़ है, आप मार्केट कर सकते हैं, रेट आपको अच्छे मिलते हैं, आपका जो एक्सपेंस है वो भी मिनिमाइज है, और आपको जो है ना जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आपको क्विकली मिल रहा है। जितने भी तालाब के खर्चे होंगे उसकी फाइनेंसिंग वो बंदे खुद करेंगे जो फार्म लगाना चाहता है, बाकी इसमें एक्सटेंशन सर्विस जितनी भी होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारी हैचरीज में फिश सीड अवेलेबल है जो हम बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, वो हम दे सकते हैं। पॉन्ड मैनेजमेंट से लेके, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से लेके,
मैनेजमेंट तलक और प्रोटीन लेवल जो ना सिलेक्शन तलक जितनी भी उनको हमसे एडवाइस चाहिए हेल्प चाहिए वो हम करते हैं लास्ट तलक बिल्कुल फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग बाउंड है हम जाते हैं हम लोग जो ना कंसल्टेंसी देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों का है कि फार्मर की हेल्प करनी है बाउंड जो है वो नेचुरल है सारा बायोफ्लाक जो है वो कंट्रोल्ड है उसमें हर चीज़ आपके सामने है उसमें आप फ्लाक बायोफ्लाक बनाते हैं नीचे जो ना फ्लाक बना हुआ होता है नेचुरल फीड ज़्यादा है वहाँ पे जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन ज़्यादा है उसमें जो ना नाइट्रोबैक्टर होता है वो आपका अमोनिया कंट्रोल करता है ठीक है आप उसको ऑक्सीजन देते रहते हैं आपका डीओ लेवल जो है ना वो आप मॉनिटर कर सकते हैं स्पेस छोटा है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं हर चीज़ आपकी नज़रों के सामने है ये डिफरेंस है बायोफ्लाक अभी यहाँ पे सिंध में स्टार्ट हुआ है कई कई जगह पे लेकिन गवर्नमेंट अभी स्टार्ट करेगी हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट पहले खुद स्टार्ट करें और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं बंदों को प्रैक्टिकली बताएं हम लोग जो है ना बींग ऑफ फिशरीज के हम लोग 300 से 500 रखवाते हैं दाने एकड़ पे ठीक है इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो उसमें वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप इतने ही रखें और बायोफ्लाक जो टेक्निक है उसमें जो है ना आपका 1000 से 1500 आप 10,000 लीटर पे रख सकते हैं नेचुरल फीड इंग्रेडिएंट्स है ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं विदाउट किसी केमिकल के ये जो है ना ये जितनी भी हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है एक्चुअली फिश को ग्रो कराने के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन लेवल रिक्वायर्ड होता है तो वेरियस चीज़ों में प्रोटीन परसेंटेज डिफरेंट होता है कुछ चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं कुछ हार्मफुल होती हैं यहाँ पे कुछ परिंदे ऐसे हैं जो एनिमीज़ हैं वो मतलब प्रीडेटर्स हैं वो किल करते हैं फिश को खाती हैं कुछ परिंदे ऐसे हैं जो पानी उनका इनहिबिटेड है लेकिन वहाँ वो रहते हैं उनकी वजह से जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन बनते हैं और जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन नेचुरल फीड है फिश के लिए वो फिश की ग्रोथ में फ़ायदेमंद है ये आपके रखे हुए ना जैसे ये सार्स है पेलिकन है ये जो ना ये खाते हैं वो आगे डक्स हैं ये मुर्गामियाँ हैं ये डक्स हैं ये जो है ना ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट की हैं ये जो है ना ये जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन वगैरह बनाती है इसमें से डक्स जो है वो नीचे सॉइल की जो है ना बॉटम तलक चली जाती है और पॉन्ड की ये इनका इम्पेक्ट ये है ये फ्रेंडली पड़ती है।